गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं डैट इज़ सुपर सेंसेस। कल हमने इसके मैच कॉलम और फिलअप रिवाइज किए थे, ये फर्स्ट चैप्टर है। अब हम रिवीजन की ओर आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। जो हम कल ने मैच और कॉलम और फिलअप्स रिवाइज किए थे, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाउ डू मॉस्किटोज फाइंड अस? मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल। ये जो सुपर सेंसेस टॉपिक है, ये है क्लास फिफ्थ के लिए, और सब्जेक्ट EVS आपको पढ़ा रही हैं सुनीता भट्ट, टीचर BPS नथुसा। तुम क्वेश्चन करेंगे, हाउ डू मॉस्किटोज फाइंड अस? मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? हमारी स्मेल, हमारी बॉडी की स्मेल से, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट, हमारे फीट में जो, हमारे पाँव में जो बदबू आ रही होती है उसकी स्मेल से, एंड द हीट ऑफ हमारी बॉडी की जो गर्मी है उससे वो मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ डॉग स्निफ हेयर और देयर? डॉग जो है इधर उधर क्यों नाक से ऐसे ऐसे सूंघते सूंघते जाता है? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। बोला डॉग्स जो हैं वो नाक से जो है अपना एरिया पता लगा लेते हैं कि ये हमारे अपने यूरिन को भी, और दूसरे कुत्ते को भी वो पहचान लेते हैं कि कोई आया है यहाँ पर, उसकी यूरिन की स्मेल से, उसके जो स्टूल है, बॉडी है, उसकी स्मेल से। हाउ डू द आंट्स रिकॉग्नाइज द आंट्स ऑफ देयर ग्रुप? जो चींटियाँ हैं बाकी चींटियों को कैसे पहचान लेते हैं उसी के ग्रुप के? आंट्स कैन इजिली डिस्टिंग्विश द आंट्स ऑफ अदर ग्रुप बाय स्मेल। आंट्स परसीव स्मेल बाय देयर लॉन्ग थिन एंटीना। जो चींटियों में वो धागा टाइप आपको दिखता है, वो छोटा सा एंटीना टाइप, वो लंबे लंबे नकले होते हैं, बाल टाइप उनके एंटीना होते हैं, उससे वो स्मेल ले लेते हैं और उनसे जल्दी उन्हें पता लग जाता है ये हमारे ग्रुप की चींटी है, हमारे इसकी है या नहीं। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीथिंग द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट? बोला स्मेल जो है हर किसी के लिए गंदी बदबू ही है, बैड स्मेल हर किसी के लिए बैड ही है, या डिपेंड करता है, और डज इट डिपेंड हाउ कैसा कोई फील करता है? ए स्मेल कैन नॉट बी गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। स्मेल हर किसी के लिए, जैसे मेरे को किसी चीज़ की खुशबू अच्छी लगती है किसी और को ना लगे, आपको किसी और की अच्छी लगे किसी मुझे ना लगे, किसी को बदबू लगती किसी को वही अच्छा लगता है, तो स्मेल जो है सेम सबके लिए नहीं, स्मेल इज़ नॉट गुड फॉर सेम फॉर एवरीवन इन द सेम वे, दो सम स्मेल्स कैन बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इट ऑल्सो डिपेंड हाउ ईच फील वंस फील्स अबाउट, कैसा कोई सोचता है उस बारे में। हाउ डू स्नेक्स स्नेयर? जो सांप है वो कैसे सुनते हैं? स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल नेल्स विच वी कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। वो जो है उनके बाहरली कान जो नहीं होते हैं वो सिर्फ फील करते हैं वाइब्रेशंस को, जो ग्राउंड में जो कपकपी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं उससे जो है पहचानते हैं। हाउ डज ए लंगूर वॉर्न अदर ऑफ द डेंजर्स लाइक टाइगर और लेपर्ड? लंगूर कैसे दूसरे को वॉर्न करता है कि भाई कोई आ रहा है, किसी को चेतावनी देता है, किस तरह से? हाई अप ऑन ए ट्री द लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ द डेंजर्स बाय मेकिंग ए स्मॉल वार्निंग कॉल, स्पेशल वार्निंग कॉल। बोला वो जो पेड़ पे चढ़ता है तो जोर से आवाज़ लगाता है कि कोई आ रहा है, तो दूसरे जो है पहचान जाते हैं। हाउ डू बर्ड्स गिव अलार्म? बर्ड्स कैसे दूसरे को पहचान बोलते हैं भाई कोई आ रहा है, कैसे अलार्म, कैसे चिल्लाते हैं? बर्ड्स गिव अलार्म कॉल बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल एनिमीज कमिंग फ्रॉम द स्काई ऑफ द एनिमीज ऑन द ग्राउंड। बोला अगर कोई आसमान से कोई जो है दुश्मन आ रहा है या कोई विपरीत जो कोई अलग जानवर है, तो वो उसके लिए अलग का उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं, और जो कोई ग्राउंड पे है उसके लिए अलग निकालते हैं। कौन सा पक्षी है हु विच राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ हिज हेड्स लाइक ह्यूमंस? किसके होते हैं? ओल। और जो उल्लू होता है उसके जो आँखें हैं सामने होती हैं, जिस तरह से इंसानों की होती हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। जिसने ये नोट नहीं किया वो कर लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।